तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो भूल भुलैया का टीज़र यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से रन टाइम, इसका टाइम, रिलीजिंग टाइम, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। टीज़र के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से बताने वाला हूँ। क्योंकि देखो, रात में 3 बजे इन लोगों ने इसका ऑफिशियल टाइम बता दिया है कि कितने बजे ये रिलीज़ होगा। और मैं आप लोगों को इस वक्त सबसे पहले बता रहा हूँ भाई, सुबह 5 बजे उठ के मैं ये वीडियो आप लोगों को बना के बता रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे देखो होने वाला है कुछ नया। और जिस तरीके से इसका टीज़र कट हुआ है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलूँगा कि आप लोग इसका टीज़र स्टार्ट होते ही आप लोग इसका स्टार्टिंग अब देखना भाई। क्या यार, क्या सुनने में आ रहा है कि भाई अभी तक का भूल भुलैया की सीरीज़ का जो सबसे बेस्ट ऑन टीज़र है ना, वो ये है, वो ये है। और अभी तक की जितनी भी ये हॉरर कॉमेडी मूवी आई हुई है ना, इन सब में इवन इंक्लूडेड है भूल भुलैया के वो दोनों पार्ट, कुछ भी नहीं है। अब जो इसका टीज़र कट के आया है, अलग ही लेवल भाई, अलग ही लेवल। रेड चिलीज़ ने इसका भाई VFX सारा काम इस पे करा है। तो आप लोग जानते होंगे कि VFX किस तरीके से रेड चिलीज़ करता है। जवान में आप लोगों ने देखा है क्या काम करता है भाई, रेड चिलीज़ ने दिया है। और फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पे मेकर्स का जो एक कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहा था कि भाई सामने से कॉल कर रहे हैं कि भाई बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो यहाँ पे अब सिंगम अगेन वालों को आज कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखो आज कुछ नहीं देते हैं और बाई चांस ये टीज़र बहुत अच्छा निकल गया, पब्लिक को पसंद आ गया, तो मैं कहता हूँ कि जब तक सिंगम का कुछ आएगा नहीं एसेट्स, जब तक इस मूवी की हाइप और इस टीज़र की हाइप ऐसी बनी रहेगी कि कोई भी फिर बात नहीं होगी, सीधा भूल भुलैया 3 ट्रेंडिंग पे चलेगा। और देखना आज ये ट्रेंडिंग पे चलेगा चलेगा। और इसका जो टीज़र है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 मिनट 17 या 18 सेकंड का इसका टीज़र यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन जितना भी होगा आप लोगों को हिला के रख देगा, रोंगटे खड़े कर देगा। गूज बम ऐसे आएंगे जैसे कि समझ लो कि हर हर सेकंड पे गूज बम यहाँ पे क्रिएटिव होंगे आप लोगों के, जैसा बताया जा रहा है भाई। और मेरी जो अभी बात हुई है भाई 1 घंटा पहले रात को 4 बजे, जो यहाँ पे मुझे पता चला है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बता नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा, सारा टी सीरीज़ कॉपीराइट मार देगा। मैं हिल गया सुन के। मैं जब भी सुबह उठा हूँ 5 बजे, और मैं जब भी आप लोगों को ये बता रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में पता चला है। और भाई कार्तिक आर्यन का काम अनबिलीवेबल है। पहले तो मैं ये सोच रहा था यार कार्तिक आर्यन क्यों ले लिया इस मूवी के अंदर, अक्षय कुमार को क्यों नहीं लिया। तो अभी मैं कार्तिक आर्यन को इस बारे सुन के भाई फ़ैन हो गया हूँ भाई। कार्तिक ने जो काम किया है भाई, वो देखने वाला बनता है, देखने को बनता है, अनबिलीवेबल। कार्तिक ने अभी तक का अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, अब सबसे बेस्ट जैसा पता चल रहा है। और ये देखो पूरी की फिल पूरी फिल्म का जो एक दारो मदार है ना, इस टीज़र पे है। यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन एंड ए लास्ट इम्प्रेशन, ये चीज़ होने वाली है। और स्टार्ट होते ही आप लोग देखना इसका BGM और विजुअल्स देखना, कटिंग देखना, जिस तरीके से इसके सीन भागेंगे वो देखना। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने प्रीमियर लगा दिया है, प्रीमियर है 12 बजे। आज आपको 12 बजे दोपहर के ये टीज़र देखने को मिलेगा टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे, कहीं पर भी आप लोगों को 12 बजे के बाद में देखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो 12 बजे से पहले देख रहे हैं तो आपको 12 बजे ये टीज़र देखने को मिलेगा, 12 बजे के बाद में इस टीज़र का रिव्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर देख चुके हैं मतलब ये वीडियो, और अगर आप 12 बज चुके हैं तो आपको ये टीज़र का रिव्यू देखने को मिल गया होगा। आप लोग जल्दी जाओ और जाके देखो। तो ये है कि दोस्तों जो इन्होंने टाइटल लगाया है ना भूल भुलैया टीज़र का, जो 3 का टीज़र का जो टाइटल है, वो इन्होंने नाम लिखा है कार्तिक, विद्या, तृप्ति एंड भूषण कुमार एंड अनीस बाजमी, इन सब का नाम लिखा है। लेकिन इसमें ये माधुरी दीक्षित का नाम लिखना भूल गए हैं, जानबूझ के माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को यहाँ छुपाया जा रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित का जो नाम आया है वो एक तरीके से लीक हुआ है, मेकर्स चाहते नहीं थे। और माधुरी दीक्षित को लेके इस मूवी के अंदर कुछ बड़ा हो रहा है, और क्या हो रहा है वो तो देखो मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि माधुरी दीक्षित का रोल जो एक सरप्राइज होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। अब यहाँ पे मेकर्स किस तरीके से माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को लेके चले, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, अगर ये मूवी फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड हो गई, अवनी अगर वापस आ गई मंजुलिका के रोल में, मैं कहता हूँ भाई देखो फिर तो यहाँ पे ढोल वोल सब फट जाएंगे, सब फट जाएंगे। जो भी है आग लग जाएगी, हिल जाएगा पूरा का पूरा बॉक्स ऑफिस, मज़ा आ जाएगा।
हर कोई यहाँ पे जाके देखना चाहता है कि भाई अवनी अगर आई है वापस तो क्यों आई है और क्या करने आई है और वजह क्या है। उसके अंदर से तो मंजुलिका बाहर निकल गई थी, दोबारा कैसे आ गई, यही चीज़ तो सबको देखनी है और यही चीज़ हिलाएगी। तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।